मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजे और कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा के मंडलेश्वर में कार्यकर्ताओं के साथ SDM कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। हजारों की संख्या में मवेशी बहकर मर गए। किसानों के घरों में रखी सोयाबीन, गेहूं, सरसों, लहसुन, चना की फसलें नष्ट हो गई। घरों की तबाही ऐसी हुई कि सर छुपाने की जगह नहीं बची। मुख्यमंत्री और मंत्री प्रभावित गाँव में समय पर नहीं पहुँचे। सभी जिलों में सरकार कोई सर्वे ना कराकर उसका 100% नुकसान मानकर किसानों को RBC की पुस्तिका में उल्लेखित मुआवजा प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए दिए जाएं, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था। सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 वर्षों के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से अंधेरे में धकेल दिया है। कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि किसानों को 3 फेज बिजली प्रतिदिन 12 घंटे देना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें कम से कम 8 घंटे दिन का समय रहेगा। सरकार नियमित रूप से खेती के लिए दिन में 12 घंटे बिजली देने का वचन पूरा करें और ग्रामीण क्षेत्र में अविलंब कटौती बंद कर नियमित रूप से दिन में 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति करें। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।